अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 2.1 मकम्मल तौर पे सॉल्व आउट करेंगे। चैप्टर 2 है हमारे पास अलजेब्रा, जिसमें हमारे पास पार्ट 1 है नंबर सीक्वेंस एंड पैटर्न। अलजेब्रा को स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मुश्किल समझते हैं, इसको मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊँगी, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1, कम्प्लीट द सीक्वेंस। अच्छा, सीक्वेंस क्या होता है? कोई भी नंबर की लाइन, ठीक है, ऐसे नंबर की लाइन हो और दरमियान में ये कोमा बनाओ, ठीक है, उसको हम कहते हैं सीक्वेंस। अब सीक्वेंस में खास बात ये होती है कि एक दूसरे के साथ जो वर्ड होते हैं, जो टर्म्स होती हैं, इसको टर्म्स कहते हैं, ठीक है, ये कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। अगर कि 28 है तो 24 है, ठीक है, इसका आपस में जो भी कनेक्शन होगा ना, ठीक है, उससे मिलता जुलता 24 और 20 के दरमियान में कनेक्शन होगा। कैसे, ये देखें, यहाँ पर फर्स्ट है 28 24, यानी कि दरमियान में 4 नंबर का इसमें डिफरेंस है। 24 20, कितने नंबर का डिफरेंस है? 4 नंबर का डिफरेंस है। 20 16, 4 नंबर का डिफरेंस है, यानी कि अगर 28 में से 4 माइनस करो तो 24 आता है, 24 में से माइनस 4 करो 20 आता है, 20 में से माइनस 4 करो 16 आता है। तो इसमें खास बात क्या है कि सबका डिफरेंस माइनस 4 है, ठीक है, एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, एक पैटर्न बन रहा है, देखिए पैटर्न वाइज चल रहे हैं। 16 में से माइनस 4 करेंगे तो आ जाएगा 12, फिर माइनस 4 करेंगे तो 8, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका करेक्ट आंसर आ गया। पार्ट टू में क्या है हमारे पास? 1 2, एक नंबर का डिफरेंस है। 2 4, दो नंबर का डिफरेंस है। 4 7, तीन नंबर का डिफरेंस है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो पैटर्न कौन सा जा रहा है, एक नंबर प्लस हो रहा है, फिर 2 प्लस हो रहा है, फिर 3 प्लस हो रहा है, यानी कि नेक्स्ट 4 प्लस होगा, फिर 5 प्लस होगा, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं। अब देखें, 4 और 3 7 7 और 4 11 11 और 5 16 16 और 6 22, तो ये देखें 22 आ गया, यानी कि ठीक हम कर रहे हैं, हमने ठीक पैटर्न को फॉलो किया। नेक्स्ट पार्ट 3। अब इसमें देखिए, अगर खास बात क्या है तो सामने नज़र आ रहा है दोनों नंबर सेम है, सारू में नंबर दोनों सेम है। 7 7 है, 6 6 है, 5 5 है तो 4 4 होगा, 3 3 है, 2 2 है तो 1 1 होगा, ठीक है, ये वाला पैटर्न फॉलो होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 50 100, ठीक है, यानी कि 50 नंबर का डिफरेंस है, 50 प्लस होगा, फिर 50 100 150 150 200 250 300 350 एंड 400, यानी कि सब में 50 50 का डिफरेंस है, 50 प्लस होगा, ठीक है, ऐड होगा। यहाँ पे अगर देखें तो 3 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 1 3 ज़ार 3, फिर 3 3 3 ज़ार 9, यानी कि ये सारे नंबर 3 से मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, 9 3 ज़ार 27 27 3 ज़ार 81 81 3 ज़ार 243 243 3 ज़ार 129, ठीक है, फिर 729 3 ज़ार, तो इस तरीके से ये सॉल्व आउट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 51 41। अब इसमें भी कुछ नंबर सेंटर में गिवन है, कुछ साइड पे गिवन है, ठीक है, स्टार्ट वाले भी ब्लैंक हैं और सेंटर में भी ब्लैंक है। तो इसमें हमें जो नंबर गिवन है उसके पैटर्न को देखते हैं। यहाँ पे देखिए 11 है, यहाँ पे 17 है, 6 नंबर का डिफरेंस है, ठीक है, प्लस 6। अब 17 और 24 है, 7 नंबर का डिफरेंस। यहाँ पे देखें तो 10 नंबर का डिफरेंस है। तो आपके माइंड में क्या आया, यहाँ पे 6 नंबर का डिफरेंस है, यहाँ पे 7 का, तो यहाँ पे 8 का होगा, यहाँ पे 9 का होगा, यहाँ पे 10 का होगा, तो यहाँ पे 5 का होगा, ठीक है, इस तरीके से। अब देखें 11 प्लस 6 17 17 प्लस 7 24 24 प्लस 8 32 32 प्लस 9 41 41 प्लस 9 51, ठीक है, यानी कि अब हमने यहाँ पे क्या लिखना है, 5 प्लस करो किसी नंबर में तो 11 आए, तो यहाँ पे आएगा 6, ये देखिए 6 प्लस 5 11 हो जाएगा। अब यहाँ पे नंबर आएगा 4, अब 4 किस में प्लस करें तो 6 आएगा, 2 में, 2 प्लस 4 6, तो हमारे पास आंसर है 2 6 32। यहाँ साइज 2.1 मैंने आपको कंप्लीट सॉल्व आउट करके समझा दिया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। मजीद कमिंग वीडियोज़ के लिए चैनल के साथ इन टच रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह।